शिखर तिवारी, मैं रहती हूँ चैम्बर कैंप में। मैं चैम्बर कैंप इंग्लिश स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे घर पे मम्मी रहती, पापा रहते, भैया रहते और मैं रहती हूँ। शैतानी करते हैं लेकिन पग 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 उसका मुंह चलता रहता है उसका मुंह। अंशिका को खाने न मिले लेकिन स्कूल जाने का उसको चाहिए। अंशिका एक बहुत अच्छी लड़की है, वो स्कूल में आने के लिए तैयारी रहती है, रोज़ स्कूल आती है, बीमार है तब भी स्कूल आएगी, और जब आएगी तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका ऐसा रहेगा, सर आज टैप्स मिलने वाले हैं क्या। मुझको स्कूल में टैबलेट वाज फेवरेट है। अंशिका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये बहुत जल्दी अभी कर रही है, उसके साथ वो हिंदी भी सीख रही है, हिंदी मराठी के अल्फ़ाबेट सीख रही है, और उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स भी है वो भी वो सीख रही है। मतलब उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा मुझे हाई, मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छे अच्छे पढ़ाई करती हूँ, टैबलेट खेलती हूँ, टैबलेट में 1-2 रहता है, ABCD रहता है, 1-2 रहता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, क ख ग घ और एनिमल्स। द चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ लर्निंग, दे आर यूजिंग द टैब्स एंड दे आर प्लेइंग गेम्स एंड दे आर लर्निंग बाय देमसेल्व्स। इवन द पेरेंट्स कैन इंस्टॉल द सेम इन देयर मोबाइल एंड द चिल्ड्रन कैन लर्न बाय देमसेल्व्स एट होम ऑल्सो। Most of the students are coming from the slum area and that's why they are not getting electronic gadgets in their hand. हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत वीक है, तो कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे पास जो सिर्फ खाने के लिए आते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे कुछ काम भी मतलब करते हैं, तो यहाँ पे अगर उनको हम टैब देंगे तो जो उनका जो लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो खूब मतलब वो फास्ट भी होती है, और बच्चे उसमें सीखने के लिए एक स्पेशल बच्चे भी मतलब स्कूल में जो अटेंडेंस है वो भी बढ़ रही है, और मुझे ऐसा लगता है अगर हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और बड़े लेवल पे तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो एडमिशन होगा वो भी बढ़ेगा, और साथ में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी बहुत फास्ट होगी। पढ़ाई से मैडम ज़िंदगी में सब कुछ फ़र्क तो पढ़ाई से, अगर अपने पास एजुकेशन है तो अपने जो चाहिए वो कर सकते हैं, एजुकेशन नहीं तो आप किसी लायक में कोई काम नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ाई के लिए, एजुकेशन है तो आप हैं, एजुकेशन नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरा नाम अविनाश कुमार तिवारी है, मैं अंशिका का पापा हूँ और मैं जगुआर सिक्योरिटी सर्विस में एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करता हूँ। मेरा छोटा भाई था, मैं वो 12वीं के बाद घर से अपनी कंडीशन उस हिसाब से नहीं थी उसको आगे पढ़ा सके, उसी के कारण मेरी भी पढ़ाई स्टॉप हुई, नहीं कर पाए हम लोग, तो उसको हम लोगों ने पढ़ाया 12वीं के बाद गुजरात में सूरत यूनिवर्सिटी से, वो गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, उसने BCA किया 3 साल, फिर MCA का किया और सेकेंड ईयर MCA में उसका LNT में और TCS में दोनों में उसका सिलेक्शन हो गया, तो अभी इस टाइम पे वो TCS में हमारे लखनऊ में ही है, लेकिन 1 साल के लिए कंपनी ने उसको स्वीडन भेजा हुआ है, जो कि आज 4 महीने उसको गए हुए हो गया है। अपने मॉर्निंग में मैडम, अगर मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठने के बाद 5-5:30 बजे तक यहाँ से निकल जाते हैं अपने काम पे, क्योंकि 7 बजे अपने को पहुँचना रहता है, ठीक है। फिर 3 बजे आते हैं तो वो टाइम पर भी घर पर बच्चे नहीं मिलते हैं,
क्योंकि वो सब ट्यूशन पे गए रहते हैं। आया तो बच्चे ट्यूशन से आने के बाद एक घंटा दो घंटा मैं बैठ के उनको पढ़ने के लिए बोलता हूँ, स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, तो होमवर्क वगैरह करते हैं। आज के टाइम में मैडम डिजिटल जो भी हो गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे बच्चे घर पे बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन अगर टैब वगैरह है, स्कूल दिया है, तो वो उनके लिए अच्छा है कि वो उसको अलग ढंग से देखते हैं। ऐसे पढ़ाई के लिए बोलो तो बच्चे कम बैठते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ें उनको मिलती है तो वो प्रॉपर आराम से बैठ के बिना बोले ही वो पढ़ेंगे, सीखेंगे, कुछ भी उनको मिलेगा। तो आज के समय में वो बहुत ही ज़रूरी है अगर ऐसा कुछ मिलता है तो। हाँ, पढ़ाई से उसका फायदा मुझे लगता है ऐसा है ना, पढ़ेगी तभी तो बनेगी, तभी तो पढ़ के निकलेगी। क्योंकि आज के टाइम में समय ऐसा होता जा रहा है कि पब्लिक अगर नहीं है पैसे आपके पास तो आप लड़की से यहाँ से मंगाना वहाँ से, वो सब चीज़ें नहीं है। वो पढ़ लेगी लिख लेगी, किसी के ऊपर डिपेंड खुद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। हम यही चाहते हैं, और जैसे वो कर रही है अच्छे से पढ़ ले, किधर वो अपने पैर पर खड़ी हो जाए तो हम लोग भी उसके प्रति जिम्मेदारी अपनी ख़त्म हो जाए। हम यही चाहते हैं अंशिका के लिए। अरे कुछ नहीं, नहीं। आपके अंशिका के लिए आपका सपना क्या है? अंशिका के लिए मेरे सपना है कि पढ़ के निकले, अपना खुद पढ़े या कुछ बने, ये सपना है। अंशिका मुझे लगे वो एक डॉक्टर बने ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसका जो नेचर वो हेल्पफुल है, सबको मदद करती है। तो अगर वो डॉक्टर बनेगी तो डेफिनेटली गरीब लोगों के लिए भी काम करेगी ऐसा मुझे लगता है।